भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको नवा अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वितरांत सुनाना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। इतना वितरांत सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे महामुने, यह तो आपने आदि पुरुष के अवतारों की कथा कही है अब तक, अब आप कृपा कर अन्य अवतारों की भी कथा सुनाइए, कथा कहिए, मैं सुनने का इच्छुक हूँ। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले काल होने के बाद जब चारों ओर पानी ही पानी था, उस समय आदि पुरुष शेष नाग की संज्ञा पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक बड़ा सा ही तेजवान कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल की पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उस कमल पुष्प के ऊपर आ बैठे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में विचार किया कि मुझे किसने जन्म दिया और यह कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस पुष्प की डंडी को पकड़कर नीचे उतर आए। 1000 वर्ष तक निरंतर जल की थाल लेने पर भी जब उस कमल पुष्प की जड़ का कोई पता नहीं चला ब्रह्मा जी को, तब वे थक कर फिर उसी कमल की डंडी पे जा बैठे। इसलिए यह जानना चाहिए सबको कि शुरू में सभी जीव अज्ञानी होते हैं, नारायण की कृपा से ही सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है और जिस पे उनकी कृपा होती है उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा किसी और को नहीं। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, परब्रह्मा परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तभी तुम्हें ज्ञान होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर जब ब्रह्मा जी ने नारायण जी भगवान का भजन तथा स्मरण किया, तब उनके मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन्हें यह दिखाई देने लगा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी सहित शेष संया पर शयन कर रहा है और उनकी नाभि से यह कमल का फूल प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट कराने वाला आदि पुरुष वही है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। और उसी ने उनको संसार की रचना करने की आज्ञा दी है। तब ब्रह्मा जी को समस्त वस्तुएं उसी आदि पुरुष के रूप की दिखाई देने लगी। उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उस आदि पुरुष की वंदना की और कहा, हे त्रिलोकीनाथ जी, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं, जो प्राणी मतलब आपसे दूर रहते हैं, उनको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और उनको आठों पैर उठते, बैठते, सोते, खाते कल की चिंता लगी रहती है, और आपके नाम का स्मरण करने वाला और आपके चरणाविंदों में प्रीति करने वाला या रखने वाला मनुष्य सदा आपकी दया दृष्टि से समस्त कामनाओं की प्राप्त कर लेता है और समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।